कल मैंने मोहल्ले में बोले पानी पीने के योग्य नहीं है घर के, तो फिर मैंने कल आरओ वाटर का इंतजाम किया, जार की व्यवस्था हर जगह घर घर पहुंचा रहे। हम लोगों ने निरंतर लीकेज को लेके बताते रहे अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। आज हमारा वार्ड पूरा आज परेशान है, छोटे बच्चे बड़े लोग आज कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और मैं कल उन लोगों से मिला भी, वो मैंने पता किया वो माता जी को पेचिस हो रहा था, तो उनको पहले सुपेला हॉस्पिटल ले गए, सुपेला से दुर्ग रिफ़र किए, दुर्ग वालों ने मेकाहारा रिफ़र कर दिया। मेकाहारा से आते समय उन लोगों ने ठीक इलाज नहीं हो रहा था तो लेके आ रहे थे शंकराचार्य, तभी उनकी मृत्यु हो गई। गौतम नगर में कल रात महिला की मौत हो गई डायरिया से, उसके बाद में फिर एक बार निगम प्रशासन सुबह से अलर्ट मूड में है। और यहां पर बता दूं कि कल पाइपलाइन में 13 जगह लीकेज मिले थे और 6 जगह आज और चिन्हांकित किया गया है। करीब 17 से 20 जगह का जो है पानी का सैंपल लिया गया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि पानी के सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती। सैंपल तो ले लेते हैं पर रिपोर्ट नहीं आती है, और रिपोर्ट 3 दिन पुरानी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिली है। तो यहाँ पर समाधान क्या होगा, पानी में कितना बैक्टीरिया है, पानी कितना दूषित है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन निगम ने आज पीने के पानी की जो व्यवस्था यहाँ पर की है, पाइपलाइन से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है और लगातार यहाँ पर टैंकरों से सप्लाई हो रहा है। आज आरओ वाटर भी यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है ताकि लोग अपने घरों में पीने का पानी कम से कम साफ पी सके। हमारे साथ वार्ड पार्षद विनोद जी हैं। विनोद जी, क्या क्या व्यवस्था भी निगम की तरफ से की गई है? निगम की तरफ से अभी टैंकर की व्यवस्था की गई है, चारों बोर को बंद कर दिया गया है। और कल मैंने मोहल्ले में बोले पानी पीने के योग्य नहीं है घर के, तो फिर मैंने कल आरओ वाटर का इंतजाम किया, जार की व्यवस्था हर जगह घर घर पहुंचा रहे। और कल मेरी अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा रिपोर्ट आ गया है, लेकिन पानी के वजह से ये डायरिया नहीं हो रहा है, और रिपोर्ट अभी तक मेरे को उन्होंने दिखाया भी नहीं है। सीधा सीधा नगर निगम का यह लापरवाही, महापौर जी का लापरवाही, कमिश्नर जी का और पूरे नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही कारण आज यह भुगतान पूरा वार्ड भोग रहा है। किस तरीके का आपने पहले कब कब शिकायत की थी और इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया जो स्थिति आ जाती है? हम लोगों ने निरंतर लीकेज को लेके बताते रहे अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। आज हमारा वार्ड पूरा आज परेशान है, छोटे बच्चे बड़े लोग आज कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और मैं कल उन लोगों से मिला भी, देखा, लेकिन स्थितियाँ, कल एक बच्ची यहाँ से भी जा रही थी, दोनों हाथ पैर आँख उसका बंद हो गया, मेरे को डर लग गया, अरे बच्ची को क्या हो जाएगा, लेकिन अभी माता रानी कृपा से अच्छी है बच्ची। और ये अधिकारी अभी तक किसी भी चीज़ को क्लियरिटी नहीं कर रहे, अभी तक वो रिपोर्ट आ गया बोले, लेकिन रिपोर्ट आज तक इन लोगों ने अभी तक हमको नहीं दिखाया, ना किन्हीं लोगों को दिखाया है। बगल वार्ड में एक महिला की मौत हो गई डायरिया से, क्योंकि लगा है वार्ड, सारी पाइपलाइन एक है, तो क्या महिला की क्या स्थिति थी और कैसे इसकी दिक्कत आई? वो मैंने पता किया, वो माता जी को पेचिस हो रहा था, तो उनको पहले सुपेला हॉस्पिटल ले गए, सुपेला से दुर्ग रिफ़र किए, दुर्ग वालों ने मेकाहारा रिफ़र कर दिया। मेकाहारा से आते समय उन लोगों ने ठीक इलाज नहीं हो रहा था तो लेके आ रहे थे शंकराचार्य, तभी उनकी मृत्यु हो गई, और वो दवाई यहीं से लेके गई थी, उनके बेटे ने दवाई यहीं से ले गया था, और वो माता जी का देहांत कल हो गया। तो आज कितने यहाँ पर सामने आए हैं अभी सुबह से आप यहाँ पे वार्ड में? अभी सवेरे से 2 या 3 ठोक अभी आए हैं, अभी धीरे धीरे क्या, कल अभी हम लोग सोचे थे कल सवेरे भी 2-3 आए थे, लेकिन शाम तक 17-18 हो गए, तो ये बढ़ते क्रम में ही है, और इसका पूरे जिम्मेदारी नगर निगम और शहर महापौर के ऊपर है। देखिए, डायरिया से हुई कि डायरिया से नहीं हुई, ये मामला लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में जिस दिन पेशेंट को लेके गया, इतवार को ले गए थे परिवार के लोग, जब वहाँ उनकी स्थिति देखी कि दस्त हो रही है, दस्त के कारण जब इनको लगा तो इन्होंने रिफ़र किया दुर्ग हॉस्पिटल, परिवार के लोग जैसे जिस प्रकार से बताए हैं। उसके बाद दुर्ग से इनको इन्होंने रायपुर मेकाहारा रिफ़र किया, दस्त से ही उस महिला को लिया गया, तो दस्त डायरिया का एक स्वरूप ही है, तो ये अधिकारी छुपाने का प्रयास ना करें। दूसरी बात कि शहर में करोड़ों का राजस्व ले रहे हैं, मैं कल भी इस बात को बोला, सफाई साफ पानी के नाम पे, सफाई जल के नाम पे, सफाई के नाम पे अन्य प्रकार का टैक्स ले रहे हैं, लेकिन क्या बिगाड़ी गरीब जनता, हर 6 महीने के अंदर में कोई ना कोई कैजुअल्टी हो रही है। क्या कर रहे हैं यहाँ की शहर की सरकार, क्या कर रहे हैं महापौर जी? मैं आपके चैनल के मार्फत से आज नैतिकता के नाते मैं उनसे इस्तीफा मांगता हूं, शहर के हित के लिए आप अपनी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप नगर निगम को चला नहीं पा रहे महापौर जी, और नगर निगम में निरंतर कैजुअल्टी का चल रहा है, जो निश्चित कहीं ना कहीं से पूरे शहर के लिए दुखदायी है। पानी का रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाया, सैंपल लेके गए, क्या मानते हैं इसको?
देखिए पानी का रिपोर्ट और पानी की जांच कराने का काम हमारे नगर निगम का ही है। मैं तो बोलता हूँ कि इसकी उच्च क्वालिटी की जांच होनी चाहिए और भिलाई से हटा करके इसको रायपुर मेडिकल कॉलेज से इसकी जांच होनी चाहिए। और जो आज भिलाई के अंदर में डेंगू डायरिया जैसे लोग इससे मर रहे हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए जो कम्युनिटी जिसे कहते हैं सोसाइटी समाज में जो डायरिया फैलता है महामारी के रूप में, ये डायरिया निश्चित तौर पर पानी के सेवन से फैलता है। और जब अपन पानी का सेवन गंदा पानी का सेवन करते हैं उससे ही डायरिया होता है। तो पानी को अगर इस प्रकार बीमारी फैल रही है तो पानी को आप उबाल कर अच्छी तरह से उबालें, उबालने के बाद जो ठंडा करें उसे छान कर पिएं, हाथ अच्छी तरह से धोकर खाना खाएं, इसका ध्यान रखें। फैलने वाले डायरिया हमेशा पानी से ही फैलते हैं। सर डेथ की बात करें तो कितना रेशियो, मतलब परसेंटेज में इसको बताना मुश्किल है क्योंकि डायरिया जो किस प्रकार का बैक्टीरिया उस समय शरीर के अंदर जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, जैसे छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य बिगड़ता है, शरीर में पानी की कमी होती है और डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और इससे बचने के लिए आपको अगर डायरिया होता है तो सब लोग ध्यान रखें कि ORS रखें या तो नमक चीनी का घोल बनाकर लगातार पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, उससे डेथ नहीं होगी। वार्ड 42 में डायरिया का एक प्रकोप फैला हुआ था, हमारी टीम वहाँ पर लगातार बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ पर थी और डोर टू डोर में एक एक घर में जाके हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया है। अभी तक किसी भी घर में हमको दूषित पानी का सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुआ है कि दूषित पानी है वहाँ पर। इसके बाद भी हमने वहाँ पर सभी घरों में क्लोरीन टेबलेट का वितरण और सभी को समझाइश दी है कि पानी उबाल कर ही पिएँ। और जहाँ पर भी लीकेज विकेज के लिए एक सघन अभियान चलाया था तो कुछ लीकेज भी पाए गए थे, तो लीकेज को भी बनाने का हम लोगों ने वहाँ पर कार्य किया है। इसमें एक चीज़ ये भी देखने आ रही थी, कुछ पूर्व की भांति कुछ लोगों के द्वारा पाइपलाइन को पंक्चर किया जा रहा था पानी अवैध रूप से लेने के लिए, तो उन पंक्चर्स को भी भर के वहाँ पर जो गड्ढा उन्होंने किया था उसको भर दिया गया है। प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत होता है कि दूषित पानी से डायरिया हुआ है। एक डेथ का जैसे सूचना मिली थी तो कल हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया था, तो ये डेथ उस वार्ड में नहीं है जहाँ पर डायरिया फैला हुआ था। और मृत्यु के कारणों में जो स्वास्थ्य विभाग से हमको जानकारी मिली थी कि उनको बहुत सारी कंडीशंस थी, निमोनिया था और अलग अलग शिकायतें थी, तो इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि डायरिया से डेथ हुआ है। फिर भी इसमें स्वास्थ्य विभाग की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उससे हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सुबह सुबह अभी मरीज जो है संख्या अभी 2 से 3 है, लेकिन आज पूरा दिन पड़ा है। कल जिस तरीके से 17 मरीज रात तक सामने आए थे और आज भी पूरा दिन यहाँ पर किस तरीके के मरीज सामने आएंगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज जो है निगम कमिश्नर ने कल यहाँ पर दौरा भी किया था और रोहित व्यास सर आज यहाँ पर सारे अधिकारियों की मीटिंग भी ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल किया जाए और यहाँ पर जो व्यवस्था सुधारी जाए। तो इसके अलावा निगम के अधिकारी आज जो इस गौतम नगर वार्ड के अगल बगल की जो वार्ड है वहाँ पर भी आज जांच करने गए कि किस जगह पे कहाँ पर लीकेज है और पाइप कहाँ टूटा हुआ है तो उसको ठीक किया जाए ताकि जो स्थिति है दूसरे वार्डों में ना हो। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।